हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका क्लास एट्थ का जो आज प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र आया वो करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। दूसरा है, राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? विधायक या MLA कहते हैं। तीसरा है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। चौथा है, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, पहले 10 को कर सकते थे, अब अधिकार बदलकर 2 कर दिया। अगर कोई दल सरकार बनाना चाहे तो उसे लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? 272 सदस्यों का। अगला है, संसद का कार्य क्या है? सभी काम संसद के हैं, कानून बनाना, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। संसाधन जो बिना किसी संशोधन के सीधे उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। आठवां है, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग कर उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? ये बच्चों ये आएगा सतत पोषण संरक्षण, बै आएगा। इसका उत्तर गलत हो गया है, बै आएगा। नौवां है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। दसवां है, विज्ञान विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। ग्यारहवां है, निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। बारहवां है, किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। चौदहवां है, सामाजिक उपाधियों का निर्देश किस मूल अधिकार से है? समानता के मूल अधिकार से। धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है पाकिस्तान, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना। 14 साल से कम बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संसाधन के प्रकार सभी प्रकार के हैं। संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। तो इस तरह से आपका SST का फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट होता है। फटाफट कीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।